राजनांदगांव में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को मानदेय देने की बात की थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से अपना वादा निभाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर मांग पूरी नहीं की गई तो वो 2 अक्टूबर को दुर्ग संभाग से पैदल यात्रा करते हुए 5 अक्टूबर को पीएम हाउस पहुंचेंगे और अपनी मांगों को पूरा करने सरकार से मांग करेंगे। कुछ सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं राजनांदगांव कलेक्टर चौक पर और छत्तीसगढ़ के माननीय टीएस सिदे ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि एक बार कांग्रेस की सरकार बना दो तो आपको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाएगा करके उन्होंने 10 दिन में वादा किया था। आज छत्तीसगढ़ में 3 साल होने वाले कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के, हम चाहते हैं कि सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं उससे सहमत है, लेकिन हमारी मांग अंशकालीन से लेकर पूर्णकालीन नियमितीकरण करे और हमारा जो 2000 रुपया वेतन मान है उसको 10 से 12 हजार रुपया दे। यदि मांग पूरी नहीं होती है 30 सितंबर तक तो हम लोग 2 अक्टूबर से पूरा प्रदेश भर में दांडी यात्रा निकालेंगे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कुछ सफाई